नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं सुदेश पाल सिंह, सहायक अध्यापक डॉक्टर देव नेपाल सरस्वती विद्या मंदिर। आज मैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। बड़ा रोचक चैप्टर है। देखो, ये जो जितने साइंटिफिक चैप्टर हैं, इनमें जितने भी साइंस से रिलेटिव जितनी योजनाएँ, जितने नियम, ये सब हमारे देश से ही शुरू हुए। परमाणु स्ट्रक्चर को सबसे पहले वैज्ञानिक कणाद ने बताया था। कणाद ये हमारे देश के ही थे, एक ऋषि थे। इन्होंने जो है 2600 वर्ष पहले, मतलब लगभग 2600 वर्ष पहले परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या चीज है। परमाणु मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब क्या हुआ, मतलब इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया, क्या हुआ, एक बार ये जंगल में घूम रहे थे और इनके हाथ में एक सेब था, एप्पल। इसको ये छोटा छोटा कुतरते रहे, तोड़ते रहे और पूरे जंगल का दृश्य देखते रहे। अब एक समय ऐसा आया कि जो उनके हाथ में छोटा सा पार्ट्स बचा, उसको ये तोड़ नहीं पाए। तो उनके दिमाग में एक सिक्स सेंस आया कि इसको मैं क्यों नहीं तोड़ सकता, तो ऐसा क्या है इसमें नहीं तोड़ सकता। तब इन्होंने एक परमाणु का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एटम दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ की वह मौलिक सूक्ष्म इकाई है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद लगभग 2300 वर्ष के बाद और वैज्ञानिक भी रहे। एक वैज्ञानिक रहे इंग्लैंड के, जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने क्या बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्म पार्ट या सूक्ष्म कणों से मिलकर बना परमाणु कहलाता है। मतलब पदार्थ के वह छोटे छोटे से पार्ट्स जिनसे मिलकर जो चीज़ बनती है उसको परमाणु कहते हैं, और इसको हम और भागों में नहीं तोड़ सकते। जब इसको नहीं तोड़ सकते, बहुत छोटे छोटा, मतलब ऐसा मान लीजिए हमारी बॉडी भी जो है एक छोटे छोटे पार्ट्सों से मिलकर बनी है। कोई चीज़ आप बनाते हैं, ये चौक ही लाइक दिस, ये चौक भी छोटे छोटे पार्ट्सों से मिलकर बना हुआ है, एक परमाणु है, पदार्थ की ये छोटी सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती है उसको आप परमाणु कहते हैं। अब इसको जब आप तोड़ेंगे, पीस लेंगे, तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उनको आप और नहीं तोड़ सकते। तो परमाणु के जो अवयव रहे, अवयव, उनको एक्सप्लेन जो किया गया, उसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन आपको बताऊंगा, जिस लाइन के सहारे आप इन अवयव का नाम कभी भी नहीं भूल सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन अवयव को तीन वैज्ञानिक ने दिया। ये परमाणु के अवयव हैं। परमाणु जो है इनका एक मुख्य भाग है। इसके लिए एक सिंपल सी लाइन है, ईंट पर नाच। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो है वो धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। यू नो व्हाट सम मीन्स ऑफ उदासीन? उदासीन मीन्स ऑफ फ्री ऑफ माइंड, सो नॉट चार्ज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टू एवरी टाइम, सब फ्री, इस पर कोई भी चार्ज कभी भी किसी भी पोजीशन में अवेलेबल नहीं होता। ये उदासीन है, जिसके साथ है उसके साथ है, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये अपने आप में फ्री है, उदासीन है, इस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन हुआज अ फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुआज अ फादर ऑफ प्रोटॉन, हुआज अ फादर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके जो फादर रहे, इनका जो कंटेंट दिया, इनकी जो वैल्यू फाइंड आउट की, वो किसने की, कौन था? तो ये जो लिखी है ना आपकी ईंट पर नाच, ये ईंट पर नाच जो लाइन है, इससे आप पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे ई, ई से आपका बनता है बेटे इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है इलेक्ट्रॉन, जो आपका ऋणात्मक रहता है, यानी कि निगेटिव होता है, इसका सिंबल होता है ई
के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज का साइन लगा दीजिए। टा से बनता है टॉमसन, और ये कई बार आप थॉमसन भी पढ़ते हो, थॉमसन भी आप इसको पढ़ लेते हैं। पा, पा से बनेगा आपका प्रोटॉन, जिसका सिंबल रहता है पी प्लस, और रा से रहता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। बचा ना, अब ना से बचता है आपका न्यूट्रॉन, चा, चा से, और इसका सिंबल होता है एन, और इसके ऊपर रहता है आपका साइन का शून्य, क्योंकि ये फ्री है, उदासीन है, इस पर कोई भी चार्ज आपका अवेलेबल नहीं है। अब इन दोनों के पिता हमें पता पड़ जाते हैं। अब ना से जो बन रहा है आपका न्यूट्रॉन, इसके जो पिता हैं वो रहते हैं आपके चैडविक, चैडविक। अब जो परमाणु जो है, परमाणु, ये परमाणु की जो कक्षाएं रहती हैं, परमाणु को जो फाइंड आउट करते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखो हम जो सीखते हैं कोई भी काम, हम जब सीखते हैं तो उसका एक अंत होता है, क्या होता है, अंत। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी एक अंत रहता है, ये जहां से शुरू होता है वहीं आकर ये पुनः खत्म हो जाता है। जैसे हमने साइंस में विस्थापन पढ़ा था, वेग पढ़ा था, संवेग पढ़ा था, गति के नियम पढ़े, न्यूटन के नियम पढ़े, उनका भी एक ना एक तोड़ था, एक ना एक उनकी डायरेक्शन थी, एक ना एक समय था, और एक ना एक उनकी मतलब कार्य करने की पोजीशन थी। वैसे ही ये मान लीजिए एक नाभिक है, क्या है आपका नाभिक, नाभिक पर हमेशा धनात्मक चार्ज रहता है, क्या रहता है, धनात्मक चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये यहाँ से शुरू होगा, अब ये शुरू हो रहा है, यहाँ से इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये घूमता घूमता ये घूमता रहेगा, और घूमने के बाद एक समय आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चले जाएगा कक्षा के। अगर ये मान लीजिए इधर से एंटर होता तो ये अपने नाभिक में आकर डूब जाएगा और अपने बेस को समापन कर देगा। अब यहाँ जो कक्षाएं मैंने बनाई बेटे, ये कक्षाएं इस प्रकार हैं, के एल एम, और एक कक्षा को आप और बना दीजिए, ये हो जाएगी आपकी एन, के एल एम एन। इसका एक दूसरा नाम भी है एस पी डी एफ, ये थोड़ा हाई लेवल का है, जब आप टेंथ में और ट्वेल्थ में पहुंच जाएंगे तो आप इसको इस रूप में पढ़ेंगे। यहाँ जो आपको जितना है, जितना आपके लिए कंटेंट, जितने कंटेंट की आपको आवश्यकता है एट्थ क्लास में, वो आपको मैं बता रहा हूँ ठीक तरीके से। अब इस चीज़ में हमने जो बना दिया, इसमें इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल रहता है Cl, और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ये परमाणु क्रमांक का जो कार्यक्रम है ना, ये पीरियोडिक टेबल से मिलता है, वहाँ अब तक तो 108 सिंबल थे लेकिन अब 123 हो गए हैं, और 123 की जो नई, जब तुम 12th तक पहुँचोगे तब तक 132 हो जाएंगे। 132 जो एलिमेंट हैं उनको फाइंड आउट कर लिया गया है, उनके सिंबल को भी ठीक तरीके से प्रोजेक्ट में अपने फाइंड आउट कर दिया गया है, और टेबल में वो प्रोवाइड हो जाएंगे। जब तक अभी तक तो आप 108 का पढ़ते हैं, बाकी उनका हमें अभी ठीक तरीके से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो हम पढ़ते नहीं। अभी जो क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसको हम अगर फाइंड आउट करेंगे एस पी डी एफ में इसको फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा हाई लेवल का है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो 17 है, 2, 8 और 7, अब देखो मैंने 17 को इसके फैक्टर कर लिए, तीन रूप में कर लिया, 2, 8 और 7। ये यहाँ जो कक्षाएं दे रखी हैं वो 4 दे रखी हैं। जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं को पूर्ण करने का एक तरीका होता है, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 14, और तीसरे में 12, चौथे और फिर 14। तो यहाँ जो कक्षाएं पूर्ण हो रही हैं वो 2 ही हो रही हैं, पहले में दूसरे और तीसरे में, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में अपूर्ण है। तो मान लीजिए देखो इसमें कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 2 कक्षाएं आपकी हो गई अब पूर्ण, 2 कक्षाएं आपकी यहाँ से क्या हो जाती हैं पूर्ण। इसको आप मिला देना, ये इसमें जब कक्षाएं बना हो आप तो इसको मिला देना पूरा, ये इससे मिला देना, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज जाओगे, ये तो इससे मिल गई, अब कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाता है, ये सर्किल बन गए हमारे, इसका सर्किल आपका अलग हो जाए।
अब यहाँ पहली जो कक्षा है आपकी उसमें रहेंगे आपके दो, दूसरी में गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब जो तीसरी कक्षा है उसमें आपके 16 होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 16 होने चाहिए। तो अब बचते कितने हैं, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी कि ये हुई अपूर्ण। तो जो लास्ट कक्षा है आपकी इसके ऊपर निर्भर रहेगा आपका उसका क्रमांक, उसका परमाणु का बेस। क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और ये चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तो इनकी जो पावर होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, फिजिक्स में जो गतिज ऊर्जा का हम वर्ड पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ी है, के बराबर 1/2 mv², ये इसका जो वेस रहता है ना ये खत्म हो जाता है। आप खुद देख लीजिए, आप एक गाय को बीच मैदान में बांध दीजिए खूंटे गाड़कर, और वो लगातार घूमती रहे और उसको आप चारा न डालें तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो एक समय के आने के बाद ये परमाणु जो है नाभिक में डूब जाता है और खत्म हो जाता है। ये था परमाणु सिद्धांत का एक सीधा सा मतलब। अब इसमें मैंने आपको परमाणु की जो तीन अवयव हैं वो आपको बता दिए। अभी जो परमाणु का जो मॉडल था ये इसमें कुछ कमियां भी थी, नए नए वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में बताया, जे थॉम्सन आए थे उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने क्या करा था ना, रदरफोर्ड ने एक नई चीज बताई थी कि जो परमाणु जो होता है वो जैसे कणाद ने बताया है और थॉम्सन ने बताया वैसे नहीं होता। उन्होंने बताया था कि ये एक, उन्होंने एक सोने की पिन्नी ले ली, किसकी पिन्नी लेनी थी, सोने की, इसका सिंबल रहता है AU, सोने का सिंबल क्या होता है AU। उन्होंने बताया कि अगर आप इस सोने की परत पर परमाणु की बमबारी करें, यानी कि अल्फा कण की, अल्फा कण, ये तीन कण पड़ेंगे, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ये गामा रेज जो होती हैं सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे आप इनको बता दूँ, गामा रेज जो होती हैं जो हम एक्सरा कराने जाते हैं, एक्स रेज, जैसे इनका एक सिंबल ऐसा रहता है, अल्फा बीटा और गामा, ये उदासीन होती हैं, इन पर कुछ चार्ज नहीं होता, लेकिन ये निश्चित रूप से वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर बहुत हार्मफुल रेज निकाल देती हैं, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव और एक उदासीन। तो जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी बॉडी पर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाल देता है जिस एरिया का आपको एक्सरे कराना है। मान लीजिए आपको कान का कराना है तो यहाँ ब्लैक कलर का डाल देगा, पेट का कराना है तो पेट का डाल देगा। वैसे भी दो चीज होती है, एक एक्सरे होता है हमारा, एक होता है अल्ट्रासाउंड, इसी में ही है, इसी बिंदु से रिलेटिव है ये एक्सरे और एक अल्ट्रासाउंड। हमारे पूरे भारत में अल्ट्रासाउंड की मशीन है नहीं, अल्ट्रासाउंड की मशीन हमारी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एम्स में भी नहीं है, विदेशों में है, लेकिन यहाँ क्या है, डॉक्टर कस्टमर के लिए, डॉक्टर पेशेंट के लिए क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या होता है, जब वो एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड करने पर आपकी बॉडी पर अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, अल्फा कण हमारी बॉडी में जितने इंस्ट्रूमेंट्स प्रकृति ने दिए हैं उनसे टकराने पर आवाज़ नहीं करेगा, और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बॉडी में कहीं अवेलेबल है, तो पथली हो जाती है तुम्हारी बॉडी में, वो तो प्रकृति ने नहीं दी ना, वो तो बाहर का इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर उससे अल्फा कण टकराएगा तो वो साउंड करेगा, आवाज़ करेगा, तो वो वहीं सुन लेते हैं और वहीं स्पॉट कर देते हैं, वहीं निशान लगा देते हैं कि यहाँ पथली है। अब वो साउंड निर्भर करेगा वो कितने mm की है, 2 mm की, 4 mm की, 6 mm की, 8 mm की, तो जितनी बड़ी होगी उतना तगड़ा साउंड। तो उस साउंड के ऊपर वहां से स्पॉट कर देते हैं और वो एक अंधे के हाथ बटेर उस रूप में आपको स्पॉट पे बता देंगे, यहाँ आपके पथली है, इसका आप इलाज करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा अवेलेबल नहीं है। अब क्या था, इस जो आपकी अल्फा कण थे, ये अल्फा कण जब सोने की पिन्नी से टकराए थे तो इसमें कुछ कण जो थे वो तो आर पार निकल गए थे, कुछ कण आर पार निकल गए थे, कुछ कण लौट के वापस आ गए थे, कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए थे, और कुछ कण जो थे वह अपनी सेम दिशा में उसी उन्हीं मतलब
पदों पर वापस आ गए और कुछ 90 डिग्री का लगभग लगभग कोण बनाते हुए दूसरी अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो मतलब इनके अनुसार जो बात थी उन्होंने ये कहा कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको और छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही इनको हम देख सकते। तो अगर सोने की जो पिन्नी होती है, सोने की पिन्नी इतनी पतली ली गई थी तो इसको भी ये भेद नहीं पाए, इसको भी ठीक से सब अल्फा कण बाहर नहीं कर पाए। तो उनके अनुसार ये बात हुई थी कि जो नाभिक होता है, नाभिक का जो अंदरूनी भाग है वो मोस्टली खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद में आपको एक बहुत छोटा सा पार्ट है जी, इसके बाद में आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। देखो उसमें क्या है, संयोजकता। यू नो संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता का मतलब सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जानते तो हैं लेकिन साइंटिफिकल रीजन में उनका मीन्स क्या है वो हम बता नहीं पाते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और जब हम साइंस में उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम साइंस में ही जाने, साइंस में ही एक्सप्लेन करें। तो इन चीज़ों को बताने के लिए हमें साइंटिफिकल वर्डों का ही यूज़ करना पड़ता है। तो साइंस की भाषा में देखो संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता क्या है? संयोजकता, तो संयोजकता का मतलब क्या है? संयोग करना, दो लोगों को एक साथ मिला देना। दो चीजों को मिलाने के बाद जो चीज प्राप्त होगी वो आपको संयोजकता कहलाएगी। मतलब उन दोनों में क्या हो गया, एक ऐसे कह सकते हैं कि दो दुकानदार एक साथ मिल जाएं तो उनमें संयोग हो जाता है, अब उनकी साझेदारी हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है। तो भाई आपकी एक संयोजकता है। संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो उस तत्व का परमाणु त्यागने पर या ग्रहण करने के उपरांत आपको प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ संयोग कर लिया तो या तो आप उसको देंगे या आप उससे लेंगे। ऐसा नहीं है ना दिया ना लिया तो संयोजकता कहाँ हुई? जब तक आप उसको कुछ देंगे नहीं तब तक आप या तो देंगे या लेंगे तब तक आप उससे संयोग नहीं कर पाएंगे। वैसे ही एक दूसरा वर्ड और है, संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या तो समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। जिनकी द्रव्यमान जो रहे वो तो रहे समान, उनका वेट जो रहे, उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करी है मतलब लैब से जो निकाला गया है वो तो समान रहे, और उनका परमाणु क्रमांक का जो सीरियल नंबर है वो भिन्न भिन्न रहे। जैसे कैल्शियम और Ar और Ca है, इनका जो परमाणु क्रमांक परमाणु भार होता है वो समान होता है आर्गन का और कैल्शियम का, और जो परमाणु क्रमांक रहता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की जो बात करते हैं हम, एक चीज तो यहां लिखते हैं हम और एक चीज लिखते हैं नीचे, एक चीज लिखते हैं ऊपर। अब इसमें कौन सा परमाणु क्रमांक है, कौन सा परमाणु भार है ये हमें पता नहीं होता। ये पता करने के लिए हमें याद करना है, जैसे मान लीजिए देखो ये तो इसकी हुई सॉरी द्रव्यमान संख्या हुई इसकी, द्रव्यमान हुआ और ये हुई इसकी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक वो तो है भिन्न भिन्न, एक का 19 और एक का 20 है, और उनकी जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो क्या हैं? समान हैं। तो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान रहे परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहे, संभारिक कहलाएंगे। आपकी इस बुक में, आपके इस चैप्टर में एक छोटी सी टेबल दे रखी है, उसमें 20 या 30 एलिमेंट दे रखे हैं, उन सबकी वैल्यू याद करनी है आपको, वो वैल्यू आप बुक से ठीक तरीके से याद करेंगे। अब इसमें जैसे होता है हमारी प्रयोग टेबल शुरू होती है वो हाइड्रोजन से होती है, किससे होती है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, नियोन आता है, आदि आदि एलिमेंट 118 एलिमेंट आपको इस टेबल से मिलते हैं। लेकिन आपकी बुक में 118 नहीं है, 20 एलिमेंट दे रखे हैं जो आपके लिए मोस्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे आपसे कहीं पूछा जाए कि एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, एक तत्व जिसका द्रव्यमान 35 है, जिसका द्रव्यमान क्या है 35, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान
संख्या बराबर दे रखी है 35 तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर दे रखी है 18 है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बेटे क्या करना है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ज्ञात करनी है। एक छोटी सी बात हमारे लिए पता रहे कि न्यूट्रॉन को जो होता है हम ज्ञात फाइंड आउट करते हैं, उसका सिंबल रहता है वो होता है n, और जो द्रव्यमान संख्या जो रहती है आपकी वो रहती है आपकी z, उसको करते हैं आप z से, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगी उसको करेंगे आप a से, ये याद रखेंगे। द्रव्यमान संख्या z रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या a रहेगी और न्यूट्रॉन की संख्या आपकी n रहनी है। तो ये एक आपका फॉर्मूला है, a बराबर z प्लस n, a बराबर z प्लस n। तो आपके लिए a की वैल्यू पता रहे है और z की वैल्यू भी पता है और n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसको उठाकर इधर लाएंगे, इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे, दोनों का पक्षांतर करेंगे, मतलब दोनों पक्षों को इधर से उधर करना है आपके लिए। तो आप समझ लीजिए कि आप करेंगे क्या, n आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन संख्या, a की वैल्यू आपको दे रखी है और z की वैल्यू भी आपको पता है, तो n ज्ञात करना है। तो करें क्या, देखो इसको उठाकर इधर लाना है और इसको उठाकर इधर ले जाना है। जब हम बराबर के साइड में दोनों चीज़ें रखी रहती हैं तो अगर इस इधर से इधर करते हैं तो इनके साइनों में चेंजिंग हो जाती है, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो n को उठाकर इधर लाएंगे आप, z ऐसे ही रहेगा और a जो है वो उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस। n बराबर जो z की वैल्यू है वो कितनी है 35, माइनस ए की वैल्यू है आपकी 18, तो कितना बचता है यहाँ से 35 है और ये 18 दूनी 36 होते हैं, तो बचेंगे आपके कितने यहाँ से 17। ये रहा आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार आप न्यूट्रॉन की संख्या को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप द्रव्यमान की संख्या भी निकाल सकते हैं जेड निकालना हो तो, और आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को भी निकाल सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर में, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये जो चैप्टर था आपका बहुत सूक्ष्म छोटा सा चैप्टर था जिसमें रदरफोर्ड, नील्स बोर और वैज्ञानिक कणाद के बारे में बताया था। देखो ये जो जितने भी नियम्स रहे मैंने आपको पहले भी बताई है, सब हमारे देश से शुरू हुए सारे के सारे, जितने ये परमाणु का जो एटॉमिक जो सिस्टम आप ये पढ़ रहे हैं ये हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ, हमारे देश से ही वैज्ञानिक कणाद ने ही 2600 ईसा पूर्व शुरू किया था और इसको आगे इसको इम्प्रूव करते रहे और इसमें हमेशा इम्प्रूव होता रहता है क्योंकि एक के काम में कमी निकालना ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। दूसरा वैज्ञानिक आएगा उसमें कुछ इम्प्रूव कर देगा, पहले वाले को फेल कर देगा, तो ये आते रहेंगे। तो इस चैप्टर में आपको मैं इतना पढ़ाऊंगा कि जो न्यूमेरिकल इसमें दो हैं वो इस फॉर्मूले के अनुसार ही जो मैं आपको करके पीडीएफ में दूंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ में सॉल्व करके दूंगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक जब तक नहीं आ रहा तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।